आज मिलादुल नबी के मौके पर जो जुलूस निकाला गया, दिन भर से वो चला है पुराने शहर में और पूरे हैदराबाद शहर में, तो इसके बंदोबस्त में पुलिस काफ़ी मेहनत की है। और आज अब रात के समय पूरे यहाँ से चार मीनार के आजू बाजू जो एरियाज हैं वहाँ से निकल कर सब वापस चले गए हैं। हमारी पेट्रोलिंग अभी जारी है और पुलिस के हमारे अहदेदार और अफसरान सब फील्ड में हैं। सब कुछ दो दिन पहले गणेश का निमज्जन हुआ था, अभी आज ये, तो दोनों ईद जो हैं अच्छे पीसफुली निकल गए हैं। अमन के साथ सब लोगों ने पुलिस का साथ दिया है और सभी को मैं पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से और रियासती सरकार के तरफ से सबको मैं दिल से शुक्रिया अदा पेश करना चाहता हूं कि सबने पुलिस की मदद की, एडमिनिस्ट्रेशन की मदद की। और ये जो बहुत ही अच्छा मिसाल देश के लिए आगे रखा है कि ईद के ये मिलाद के जुलूस को उसको टाल के 3 दिन के बाद किए हैं, तो ये शहर में अमन और शांति बनाए रखने के लिए सब लोग आगे आए हैं। पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ के सबको मैं दिल से फिर से एक बार शुक्रिया अदा पेश करना चाहता हूँ। हम सभी के शुक्रगुजार हैं, जो भी बड़े उलेमा, मुआजिज़, बुज़ुर्ग, कवातीन, सब जो भी हमारे साथ रहे हैं, सभी को हमारे अफसर आज उनके प्रोटेक्शन के लिए उनके ये पेट्रोलिंग में जो साथ दिए हैं, हमारे जो भी साथ रहे हैं, जो एनजीओज हैं, सभी को मैं शुक्रिया अदा पेश करना चाहता हूं। और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो हमारे साथ रहे हैं, जीएचएमसी हो, एचएमडीए, आरएनबी, रोड ट्रांसपोर्ट, ये सभी लोगों को भी, उनके अफसरान को भी हम पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से शुक्रिया अदा पेश करते हैं। लाठी चार्ज नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पर। आपको पता है कि एक डीजे में वो आग लग गई थी, वो एक एक्सीडेंट है। और अगर वो डीजे का जो बैटरी है, अगर वहाँ से आग फैल के डीजल टैंक पे अगर उसको लग जाता तो बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। तो इस प्रोटेक्शन की वजह से, सेफ्टी मेजर्स की वजह से सबको बैरिकेड लगा के थोड़ा दूर रखना पड़ा। और उसको भी तोड़ के अगर थोड़े लोग आगे आए हैं तो उनको रिक्वेस्ट करके पीछे जाने के लिए कहा गया था। तो उसको लाठी चार्ज आप कहेंगे तो वो बुरी बात है, ये पब्लिक के सेफ्टी के लिए किया गया। थैंक यू।